तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन की रेटिंग को तो देखो यार, यहाँ पर 4.0 की रेटिंग है। मतलब आप क्या मांगते हो हमसे? आप रेटिंग ही मांगते हो ना? तो मैं रेटिंग दिखा रहा हूँ ना आपको, 4.0 की रेटिंग है। ठीक है, जाओ अप्लाई करो एप्लीकेशन से। लेकिन रुको दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूँ कि लोन एप्लीकेशन, अभी मैं आपको बता दूँ कई लोन एप्लीकेशन ऐसे हैं जिनकी रेटिंग 1 से भी कम है। ठीक है, लेकिन वो वर्किंग है और रियल है और सही है। और कई एप्लीकेशन ऐसे हैं जिनकी रेटिंग 4 से लगा करके 5 तक है, लेकिन वो फेक हैं। आज हम आपको एक ऐसे एप्लीकेशन से परिचित करा रहे हैं जो कि 4.0 की रेटिंग के साथ आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और यहाँ पर इस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट बी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन। अब एक क्रेडिट बी एप्लीकेशन और है जो कि RBI रजिस्टर्ड है, NBFC फॉर्म है, बट उसका और इसका ताल्लुक कुछ अलग है। ठीक है, हम यहाँ पर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो जी क्रेडिट बी एप्लीकेशन है, ये किस प्रकार डैशबोर्ड में ओपन होती है और कैसा एप्लीकेशन है, चलिए पूरी जानकारी बताऊंगा मैं A to Z तक। और लाइव अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगा, रिस्पांस क्या मिलता है वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बस आपको वीडियो कंप्लीटेड देखना है। यहाँ पर जैसे हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन बता रहा है कि 5 लाख रुपये तक का आपको हम इंस्टेंटली लोन दे देंगे। अब ये लोन देगा या ना देगा वो तो आगे अलग बात है, लेकिन फिलहाल इस एप्लीकेशन की जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे बात लगी है वो है बैंक बैलेंस चेक करने का नंबर। आप यहाँ पर क्लिक करके बहुत सारी बैंकों के नंबर देख पाएंगे जो कि बैलेंस चेक करने के यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर देख लो, इलाहाबाद बैंक हम क्लिक करेंगे तो इलाहाबाद बैंक का ये रहा, जिसमें हम नंबर मोबाइल नंबर पर कॉल करके बैलेंस का पता कर सकते हैं। और अगर हम इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक में मैं अभी क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, अगर इंडियन बैंक होगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, बट इंडियन बैंक नहीं है, RBL बैंक है। और इंडियन बैंक ये रहा, इंडियन बैंक का नंबर ये रहा 9289952895, ये है बैलेंस चेक करने का नंबर। तो इस एप्लीकेशन की जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो मुझे ये तो बहुत अच्छी लगी है। चलिए एप्लीकेशन के लोन पे भी फोकस कर लेते हैं, तो अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये डाल देते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स निकल। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप है जिसमें आपको पैन कार्ड अपलोड करना है। तीसरे स्टेप में आधार कार्ड का फ्रंट फोटो और बैक फोटो देना है, चलिए दे देते हैं। लास्ट स्टेप में बैंक अकाउंट नंबर देना है, चलिए दे देते हैं। और जो हमारा छठवां स्टेप है उसमें आपको इनकम प्रूफ वेरिफिकेशन करानी है। मेथड कैसे आता है तो सैलरी है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमारी जो लोन एप्लीकेशन की जो रिक्वेस्ट है वो जा रही है एप्लीकेशन को। और यहाँ पर बताया गया कि 13 दिन बाद आपको लोन मिलेगा। मतलब मिलेगा या नहीं मिलेगा, 13 दिन बाद इनका डिसीजन आपको मिलेगा। तो 13 दिन बाद इनकी टीम आपसे कॉल करेगी और पूछेगी कितना लोन लेना है। एक बात और बता दूँ कि भैया ये एप्लीकेशन मुझे बिल्कुल बकवास लगी है, क्योंकि ऐसा प्रोसेस मैंने किसी भी ऐप में नहीं देखा। देखो, आपको कॉल किया जाएगा, फिर हो सकता है आपसे डिमांड करें पैसों की, 7 दिन का टाइम दे गए, कुछ भी हो यार, एप्लीकेशन भैया ये बेकार है, इससे आपको लोन नहीं लेना है। मैं आपको सीधी भाषा में कहूँ तो एप्लीकेशन बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तो भाई ये जो नया एप्लीकेशन क्रेडिट बी एप्लीकेशन, इससे आपको लोन अप्लाई नहीं करना है, बड़े गौर से देख लो। ठीक है, और जिन भाइयों ने अप्लाई कर दिया है और वो आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, बाद में बोले पैसा बैंक में आएगा, तो बिल्कुल भी डिमांड के साथ पैसे पे ना करें, अदरवाइज पैसा भी चला जाएगा और लोन भी नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, यही जानकारी मुझे देनी थी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट अदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।